हेलो मॉमीज, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और हेल्दी और टेस्टी रेसिपी आपके बच्चे के लिए। तो तैयार हो जाइए अपने नोटबुक और पेन को लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आप कैसे बना सकते हैं सूजी टोस्ट रेसिपी अपने बच्चे के लिए। सूजी टोस्ट एक बहुत ही मजेदार ऑप्शन है जो कि हेल्दी भी है, और इसको बनाना बहुत ही आसान है, और ये आपके बच्चे को पूरे दिन एनर्जेटिक और फ्रेश रखेगा। चाहे आप एक्सपीरियंस खाना बनाने वाले हैं या फिर आप जस्ट अभी शुरुआत कर रहे हैं, ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल सही है। हम हर कदम पर आपको गाइड करते रहेंगे ताकि आपका सूजी टोस्ट अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी रहे। ये सूजी टोस्ट का टेस्ट इज जस्ट सिंपली मैजेस्टिकल। इसका क्रिस्पी टेक्सचर और इसकी टेस्टी फिलिंग्स आपके बच्चे को और मांगने पे मजबूर कर देगी। तो मॉमीज, अपने इंग्रेडिएंट्स को रेडी कीजिए और चलिए टेस्टी और हेल्दी खाना बनाएं जिसको आपके बच्चे खुशी खुशी खाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसी रेसिपीज मिस ना करें। तो चलिए अब बनाते हैं सूजी टोस्ट रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 1 कप सूजी, 1/2 कप योगर्ट, 1/4 कप फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स जैसे कि कैप्सिकम, कैरेट्स, कोरिएंडर और टोमेटो, 1 स्मॉल अनियन फाइनली चॉप्ड, 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट एंड बटर। सबसे पहले एक बोल में ले सूजी, उसमें ऐड करें योगर्ट, चॉप्ड वेजिटेबल्स, अनियन, जिंजर पेस्ट, जीरा, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ओरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स, और तब तक मिक्स करें जब तक एक थिक बैटर फॉर्म ना हो जाए। देन लेट इट रेस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स। साथ ही साथ एक पैन में ऑयल या बटर हीट कर लें। उसके बाद बस आपको एक ब्रेड स्लाइस ले लेना है और उस पर सूजी और सब्जी का बैटर अच्छे से फैलाना है। फिर ब्रेड स्लाइस को गर्म तवे पर रखना है, कुछ मिनट तक पकाएं जब तक कि नीचे का गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाए। ध्यान रखें कि बैटर वाला साइड तवे पर नीचे की तरफ हो। इसे फ्लिप करने से पहले थोड़ा बटर अप्लाई करेंगे। फ्लिप द ब्रेड स्लाइस एंड कुक इट टिल इट आल्सो टर्न्स गोल्डन एंड क्रिस्पी। बचे हुए ब्रेड स्लाइसेस के साथ भी यही प्रोसेस दोहराएं। अच्छा, जब तक बाकी स्लाइस सिकते हैं तब तक सूजी के फायदों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सूजी आयरन और पोटेशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। सूजी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन बी और विटामिन ई की मौजूदगी इसे एक कंप्लीट फूड आइटम बनाती है। और अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लेता। अच्छा, सूजी के फायदे तो नेवर एंडिंग है, लेकिन यहाँ हमारे सभी स्लाइसेस पक चुके हैं, तो चलिए इन्हें पैन से निकाल लेते हैं और ट्राइंगल या फिर स्क्वायर की शेप में काट देते हैं। योर यम्मी येट हेल्दी सूजी टोस्ट को गरम गरम केचप या चटनी के साथ सर्व करें। अब आप मुझे बताएं आपकी फेवरेट सूजी डिश कौन सी है बाय मेंशनिंग इन द कमेंट बॉक्स। एंड दैट्स अ रैप मॉमी, आई होप आपको हमारे ये सूजी टोस्ट बनाने का तरीका सीखकर मजा आया होगा, जो आपके बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। ये आपके बच्चे के स्नैक को टेस्टी और हेल्दी बनाएगा। जस्ट लुक एट दिस गोल्डन क्रिस्पी डिलाइट्स, आई एम श्योर योर किड इज गोना लव दिस टोस्ट। और इस एक टोस्ट में है 128 किलो कैलोरीज, 5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन and 22 grams of carbohydrates with 8 grams of fat. We hope you enjoyed this recipe as much as we did. Don't forget to give it a thumbs up and leave a comment down below mentioning your experience with Suji Toast. Also, channel ko subscribe karna na bhule taki you never miss out any nutrition update for your kid. And that's all for today. We will see you in the next video. Until then, take care of your health and your kid's health.